नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनके विरुद्ध बिजली विभाग ने चोरी के मामले लगा रखे हैं। अगर बिजली विभाग ने चोरी के ऐसे मुकदमे लगा रखे हैं तो बिजली विभाग और आप एक समझौते के रास्ते को तलाश सकते हैं। छतरपुर में 25 अगस्त को स्टेट अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आयोजित होने वाले इस स्टेट अदालत में ऐसे लगभग 3000 मामले निपटने की संभावना है। हाईकोर्ट के निर्देश पर अदालतें अपने यहाँ के बोझ को कम करने के लिए इस तरह की बड़ी अदालतों का आयोजन कर रही हैं। नेशनल लोक अदालत का नाम आपने सुना होगा, इस तरह के कई मामले उसमें निपटते हैं। ऐसा ही एक आयोजन 25 अगस्त को छतरपुर में स्टेट अदालत के रूप में होगा, जिसमें खास तौर पर बिजली चोरी से जुड़े मामलों को निपटाने की संभावना है। चूंकि सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं, तो अदालतें भी कोशिश कर रही हैं कैसे मामले निपट जाएं। इसी संबंध में छतरपुर में डीजे यानी कि जिला न्यायाधीश अवनींद्र कुमार सिंह ने पत्रकारों से भेंट कर ये जानकारी दी। इस मौके पर एडीजे प्रशांत कुमार निगम भी उपस्थित रहे। न्यायाधीशों ने लोगों से अपील की है कि 25 अगस्त को आयोजित स्टेट अदालत का लाभ उठाएं और इसमें अपने मामले सुलझाएं। जो लोग ना सुलझा पाए वो 8 सितंबर को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों को सुलझा सकते हैं। इसी बुलेटिन में एक और खबर देख लेते हैं। छतरपुर के लिए चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में कई घोषणाएं सामने आ रही हैं। सरकार व्यापारियों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है कि व्यापारी किन बातों को लेकर नाराज हैं और उन्हें खुश करने के लिए अब लगातार समीक्षा की जा रही है जमीन पर उतरकर। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष मदन मोहन गुप्ता छतरपुर आए और व्यापारियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने व्यापारियों के कष्टों को जाना और कहा कि वो सरकार को इसकी रिपोर्ट देंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि छतरपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया का विकास कराया जाएगा। लगभग 1000 करोड़ रुपए के एक उपक्रम को लगाने की योजना भी वो सरकार के सामने रखेंगे। मुझे प्रसन्नता है, आज सैकड़ों व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में और उनके तीनों संगठन इस बैठक में उपस्थित थे। 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण सुझाव आज प्राप्त हुए, जिनको मुझे आशा है कि जब मैं चुनाव दृष्टिपत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करूँगा तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में स्थान मिलेगा। पहला प्रस्ताव है बुंदेलखंड के लिए स्पेशल हॉलीडे फ्री औद्योगिक जोन बनाया जाए। दूसरा प्रस्ताव है बुंदेलखंड में शासन संयुक्त प्रयास से, प्रदेश और केंद्र के प्रयास से शासकन के आधार पर आधारित शासकीय फैक्ट्री जिसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए हो, उसको यहाँ पर लगाया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। आपके कपड़े, आपका फैशन आपको बनाता है औरों से अलग, यानी कि मैन से जेंटलमैन बनने के लिए जरूरी है वक्त के साथ बदलते फैशनेबल कपड़े। तो अपनी शख्सियत को निखारें मस्ताई गारमेंट्स पर आकर। रेडीमेड कोट, ब्लेजर, शादी ब्याह में राजसी लुक के लिए शेरवानी, यूथ के लिए इंडो वेस्टर्न कोटी, जीन्स, फॉर्मल वियर, शर्ट, टी शर्ट और पार्टी वियर शर्ट्स। हर तरह के फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े रीजनेबल कीमत में मिलने का एकमात्र स्थान मस्ताई गारमेंट्स, अडवारा रोड छतरपुर। प्रोप्राइटर निशांत जैन। संपर्क करें 9893113652 और 7566666552।